स्लस एंड सॉफ्टी का एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप इसे अलग अलग वेराइटी से अलग अलग टॉपिंग्स या अलग अलग डेकोरेशन करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। डिपेंड योर क्रिएटिव एरिया, आप कैसा क्रिएट करके लोगों को और कस्टमर को देते हो, डिपेंड उस पर करता है। सर कैसा लगा टेस्ट? सर आई एम रियली स्पेल बाउंड, जो बोलते हैं ना, मेरे पास लव्स नहीं है। अच्छा। टेस्ट में इतना मैं खो चुका हूँ। इट्स रियली माउथ वाटरिंग एंड आई कांट कंपेयर दिस विद एनी बिग ब्रांड बिकॉज आई डोंट वांट टू यू नो ब्रिंग दोज नेम्स हियर बिकॉज योर्स इज द बेस्ट आइसक्रीम। आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस एट दिस लेवल विद दिस क्वालिटी, अमेजिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2023 मॉडल और आइस स्नो मेकिंग मशीन 2023 मॉडल की लाइव वीडियो बना रहे हैं। आज स्पेशली हमारे कस्टमर आए बेंगलोर कर्नाटका से, स्पेशल डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी गुजरात भावनगर में आज विजिट की हमारे कस्टमर ने। तो थोड़ा हम हमारे कस्टमर से थोड़ा बात करेंगे, रिव्यू लेंगे और मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल लेंगे। हेलो सर, हाय, कैसे क्या नाम है सर? मेरा नाम इकबाल खान है। इकबाल खान जी, और कहाँ से है सर आप? मैं बेंगलोर कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटका से, अच्छा। और सर आपको हमारा ये रेफरेंस, हमारी वीडियो कैसे मशीन मिलती है, यहाँ भावनगर में मशीन बनती है, कहाँ से मिला सर आपको? सर आपकी बदौलत, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल है मुझे यहाँ पे खींच के लाई इंस्टाग्राम की वीडियो से, तो वो देख के मैं इम्प्रेस हो ही गया था। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, ये जस्ट इनका जो प्रेजेंटेशन था जो उन्होंने वीडियो में दिखाया वही यहाँ पे होता है या नहीं मुझे देखना था, तो उन्होंने कर दिखाया। उसी तरह का मुझे अकेले के लिए वो सारा प्रेजेंटेशन जो उन्होंने पुराने वीडियोस में दिखाया था वही वैसे के वैसे पूरी पाकी सफाई से वैसा करके मेरे लिए वो वही सॉफ्टी और जो टेस्ट उन्होंने बताया था वही मुझे खाने को मिला, तो मेरा ट्रिप सक्सेसफुल है। कि अगर आप बिजनेस में जुड़े हैं तो आपके पास तो इसका नॉलेज होगा, इसलिए अगर आप बिजनेस में नहीं जुड़े हैं तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप बताना चाहेंगे हमारे न्यू व्यूअर्स, न्यू क्लाइंट को कि ये जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी ये बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा, विद जीरो एक्सपीरियंस अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देर इज नो अदर बिजनेस इजियर देन दिस। अच्छा, ये बात सुन लो आप। अच्छा। क्योंकि ये छोटा बच्चा भी मशीन ऑपरेट करना जान सकता है। अच्छा। और बाकी जहाँ तक ऑटोमेटिक का मामला है, मशीन खुद कर लेगी, आपको कुछ करना नहीं है, पूरी मशीन ही ऑटोमेटिक कर लेगी, मशीन कर लेगी बस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये मैनुअल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है मशीन में, बहुत अच्छी तरह डेवलप हुआ है। इस पर अगर कोई सैमसंग या पैनासोनिक लगाने के बाद ही वैल्यू करने का वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी मार्केट ट्रिगरिंग मशीन एंड बहुत ही यू नो आपके बिजनेस के लिए एक सही सिलेक्शन होगा। जो एम्बिशियस लोग हैं वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, बट जहाँ तक हैंडलिंग का मामला है बच्चा भी कर सकता है। और सर आप मशीन कौन सी मशीन ले रहे हैं, कि सोच के आए थे कि मैं कौन सी मशीन लूँगा, क्या सोच के आए थे सर यहाँ पे? एक्चुअली मैं जब कोटेशन मांगा था तो ये जूनियर साहब के लिए था तो सर जी से बात हुआ तो बहुत कुछ इनका नॉलेज है, तो वो नॉलेज की वजह से मैं एक लेवल अप करके अपना डिसीजन लिया हूँ। वहाँ पे जो बढ़िया 2+1 की फ्लोर मशीन है, जो प्रीमियम प्लस मशीन है, उसके लिए फाइनल किया आपने? जी, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि उसकी जो फीचर्स हैं आपको सिमिलर होंगे, बट दैट हैज़ द मोर कैपेसिटी, दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव, मोर फ्लेवर एंड मोर कैपेसिटी, मोर फ्लेवर्स, मोर कैपेसिटी एंड एवरीथिंग इज़ यू नो गुड अबाउट दैट मशीन, सो आई एम गोइंग फॉर अ हायर वर्जन। But this is also not a bad model, but if you are thinking something at a bigger level, then you have to go for the premium one. Premium one, okay. और सर स्लश मशीन में कौन सा मॉडल आपने सिलेक्शन किया सर? स्लश मशीन में मैंने एक ट्राई किया इसका फ्लेवर। अच्छा। बहुत ही मुझे अमेजिंग लगा इसका टेस्ट। तो मैंने सोचा अगर इसके चार फ्लेवर्स बन जाए अलग अलग, अच्छा, so I think I can impress my customers and I know from there how to take it up. तो मैं एक से एक से ज़्यादा चार बेहतर बोल के चार की मशीन, चार टैंक का ही सिलेक्शन जी सर को। हमने एक फ्लेवर का इसमें से क्वालिटी और स्लश का टेस्ट करवाया, उतना इम्प्रूवमेंट लगा सर को, इतना टेस्ट अच्छा लगा, और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से कुछ नया और कुछ अट्रैक्टिव चीज़ देने के लिए सर ने सिंगल की जगह हमारा 4 टैंक वाला 4 टैंक वाला आइस प्लस मशीन पसंद किया और वो मशीन भी बुक करवाया। सर कौन से मशीन आपने बुक करवाया? सो यहाँ पे मेरा बिल है। अच्छा। इसमें 3 मशीन्स हैं। अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ना 3 वो बड़ा वाला,
2+1 फ्लोर मॉडल प्रीमियम प्लस मॉडल सॉफ्टी मशीन ओके और इसमें चार फ्लेवर्स वाली मशीन एंड ये वाला हॉट चॉकलेट फाउंटेन मशीन ये तीन मशीन आपने फाइनलाइज कर लिया है नो चेंज ऑन दैट इसमें एडिशन हो सकता है कुछ कम नहीं होगा कम नहीं हो सकता वेरी सून आई विल लेट यू नो बिकॉज़ यहां पे आपने इतने प्रोडक्ट्स सजा रखे हैं आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड ओके सर और सर को हम थोड़ा आइसक्रीम आपके सामने लाइव मशीन के अंदर ऑलरेडी हमने हमारे कस्टमर के लिए मशीन ऑपरेट करके कैसे मटेरियल बनता है कैसे रेसिपी बनता है पूरी लाइव ऑपरेट की है तो एक कोन हम बना के इसमें से हमारे कस्टमर को खिलाएंगे टेस्ट करवाएंगे आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और क्रीमी वेनिला का फ्लेवर निकला इसके ऊपर आपको डेकोरेशन करना है तो यहाँ पे आप डेकोरेशन एरिया भी इससे डेकोरेशन भी कर सकते हो लीजिए सर टेस्ट करके एक स्पून टेस्ट करिए और बताइए हमारे व्यूवर्स को कैसा टेस्ट लगा और इसमें आपको अगर वेराइटीज भी यूज करना है अगर आपको तो अलग अलग स्लस एंड सॉफ्टी आप दोनों कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप स्लस थोड़ा निकाल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का ऑलरेडी स्लस हमने डाला हुआ एकदम स्मूथी इससे आपको थोड़ा स्लस ले लेना है उसके ऊपर यहाँ पे सॉफ्टी का क्यूबिंग करना है आपको स्लस एंड सॉफ्टी का एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आप इसे अलग अलग वेराइटी से अलग अलग टॉपिंग्स या अलग अलग डेकोरेशन करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं डिपेंड योर क्रिएटिव एरिया आप कैसा क्रिएट करके लोगों को और कस्टमर को देते हो डिपेंड उस पर करता है सर कैसा लगा टेस्ट सर आई एम रियली स्पेल बाउंड जो बोलते हैं ना मेरे पास लव्स नहीं है टेस्ट में इतना मैं खो चुका हूँ इट्स रियली माउथ वाटरिंग एंड आई कांट कंपेयर दिस विद एनी बिग ब्रांड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यू नो ब्रिंग दोज नेम्स हियर बिकॉज योर्स इज द बेस्ट आइसक्रीम आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस एट दिस लेवल विद दिस क्वालिटी अमेजिंग अब देख सकते हैं सर को हमने टेस्ट करवाया और सर मशीन के आपको ये फंक्शन ईजी कैसे लगे सर कितने टाइम में आइसक्रीम बन चुका कितने समय में हमने आपको इसका डेमो दे दिया सर हमने सर ये मशीन का मुझे इतनी कैपेसिटी में काम कर रहा है जो अभी इसका जो कूलिंग इफेक्ट है जो मुझे थिकनेस मिल रही है आइसक्रीम में लुक एट दिस नॉट इवन यू नो मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस इट्स लाइक दैट गुड एंड फ्रेश आइसक्रीम मैं ऐसा आइसक्रीम बार बार खाना चाहूँगा आई डोंट वॉन्ट दैट पैक्ड आइसक्रीम जो बहुत दिनों तक फ्रिज में पड़ा रहता है यहाँ पे इधर डाला और इधर निकाला सिर्फ 15 मिनट मैक्सिमम 0 से 15 मिनट में कंटिन्यूसली इतने कोन्स या फिर सॉफ्टीज निकलेंगे इट्स अमेजिंग इट रियली हैज उनके पास जो फीचर्स है पावर कंजम्पशन कंट्रोल करने का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है मशीन मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी अ बैड डील फॉर एनीवन इट्स नॉट हार्ड ऑन पॉकेट आपके जो भी बजट से आप आएंगे आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट पाएंगे आपके बजट के हिसाब से यू नॉट गो यू नो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हियर सो इट्स वेरी इजी टू यूज हैंडलिंग बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत कम समय में ऑपरेट कर कम समय में और आसानी से इजीली यूज कर सकते हैं पूरी तो आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर आए इनको हमने पूरी लाइव डेमोस्ट्रेशन जो जो मशीन रिक्वायरमेंट है और जो मशीन रिक्वायरमेंट नहीं थे उनकी भी हमने सजेशन दी सलाह दी कि आप ये मशीन लगा के अपना एक बिजनेस को ग्रो अप और एक ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हो तो दोस्तों इस तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी के तो या दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो थैंक यू सर विजिट के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर ओके बहुत खुशी हुई थैंक यू सर एक फोटो भी लेना चाहूँगा जरूर इंशाल्लाह चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस